हेलो, गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? तो व्लॉग में बने रहिए। तो ये स्टिच होके आए थे 2 महीने बाद मेरे सूट। 2 महीने लग गए इन सूटों को मंगाने से टेलर से। एक्चुअली फॉल्ट मेरा ही था, मैं किसी भी कारण से भैया के पास नहीं जा पाई थी। तो भैया खुद ही मेरे नियर बाय आकर ये सूट दे गए थे। ये तो डेली वेयर के हिसाब से कभी पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो अभी पैक कर देते हैं, इसकी जगह पे डाल देते हैं। पॉलिथीन वगैरह में डाल के रख देती हूँ मैं इन्हें, और कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ डेली 2 ब्लॉग शेयर करूँ, छोटे छोटे से 2 ब्लॉग शेयर करूँ। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आई नो कि मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, तो सब ऐसा होता है ना कि एक जो परिवार से रहते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा होम लाइफ में चलना रहता है। ओके, तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और शाम का टाइम है, नाश्ता कर रही हूँ, गर्मा गर्म समोसा और चटनी और गर्मा गर्म चाय, ये देखो। तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद रूम क्लीन वगैरह करेंगे तो समोसा ठंडा ना हो जाए, और आप लोगों को भी खिला देती हूँ। पनीर वाला गर्मा गर्म समोसा और मुझे हरी चटनी पसंद है, मुझे बिल्कुल भी मीठी चटनी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा ना शुरू से मतलब शादी से पहले से मेरा ऐसा है ना, मैं जब भी काम करती हूँ ना तो मेरे को काम पसंद है, गाने चलते रहे, सॉन्ग चलते रहे, रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, ये कोई से भी अच्छे हो, पंजाबी सॉन्ग हो, मुझे सॉन्ग सुनकर काम करना बहुत पसंद है। मेरे को लगता है बहुत से लोगों को ऐसा अच्छा लगता होगा, गर्ल्स को या फिर लेडीज़ को, मेरी तरह, अब तो लेडीज़ ही हो चुकी हूँ यार मैं, तो मेरी तरह सब लोगों को अच्छा लगता होगा ऐसे गाने चलाकर काम करना। मुझे तो शादी से पहले से ही ऐसे अच्छा लगता है, तो मैं अभी भी अपने रूम को जब क्लीन करती हूँ तो यही चीज़ें मैं करती हूँ। और बस चलो काम कर लेते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आपने देखा मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने ये पहन लिया है वाइट। ये बताएं, स्वेटर ऐसा है, थोड़ा सा लूज़ है ये स्वेटर, बट लेकिन पहनने में बड़ा अच्छा लगता है। और इसे देखो कितना अच्छा, मतलब क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है, वाइट बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं सरोजनी मार्केट से लेकर आई थी, काफ़ी अच्छा है ये। तो कोशिश करूँगी एक दिन में 2 व्लॉग देने की, तो देखते हैं कंटिन्यू हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि मैं जिस टाइम पर एक दिन में 2 व्लॉग दे रही थी तो उस टाइम पे चैनल बिल्कुल अच्छा जा रहा था,
तो अभी दोबारा से ट्राई करते हैं, ठीक है, जाता या नहीं जाता वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे, तो कोशिश करेंगे। और अभी मुझे ना इस फ़ोन में ना माइक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बिना माइक के भी काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक ठीक आवाज़ बहुत अच्छी से क्लियर आ रही है एकदम, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर बाद इस व्लॉग को अपलोड करेंगे, मतलब जब आपको मिल जाएगा तो अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब अपने टाइमिंग के अनुसार मैं इसे अपलोड कर दूंगी। क्लीनिंग विलीनिंग पूरे रूम की हो गई है, सारे रूम की, रूम मेरा बहुत चमचमा रहा है, मतलब एक संतुष्टि मिल जाती है रूम को अपने हाथों से क्लीन करके, एक संतुष्टि सी मिल जाती है। और बच्चे नहीं आए ना तो अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे शायद मे भी कल आ जाएंगे, फिर बच्चों से भी मिलवाती हूँ आपको। तो बाय, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय। और गाइज ये नाइट का टाइम है, मतलब नाइट क्या 7:45 बज रहे हैं, और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि फादर इन लॉ अंदर थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में, बाय।